हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएसआर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसआर चैनल पर। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है कि हमारे चैनल सेक्शन में जाकर हमारे सेकेंड चैनल को जाके उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि रोज नई नई वीडियो नोटिफिकेशन जो है उस चैनल पर भी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जिस एप्लीकेशन की आप बात करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में आप भी जानते हो, कैशबिन एप्लीकेशन का नाम है। यहाँ से बहुत लोगों ने अप्लाई कर रखा है, कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, कुछ लोगों का अप्रूव हो जाता है। मैं आपको यहाँ की पूरी टर्म और कंडीशन बताऊँगा, क्या प्रोसेस होता है और कैसे आपको मैक्सिमम यहाँ से लोन मिलेगा। अकाउंट सेक्शन में मैं आकर दिखाऊँ तो भैया मेरा नाम लिखा गया रंजीत, ठीक है। बैंक सेक्रेटरी की बात करूँ तो मेरा अकाउंट नंबर यहाँ सेव है। और अगर मैं लोन की बात करूँ तो यहाँ पे जो लोन मिलेगा मैक्सिमम मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे देखिए क्रेडिट पे अगर मैं जाऊँ तो भैया मेरी लिमिट जो है वो 1500 रुपये की मैक्सिमम यहाँ पे दिखा रखा है। अगर मैं इस 1500 को 15000 तक ले जाना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी लिमिट को इंक्रेज करना चाहता हूँ, तो भैया कैसे होगी इंक्रेज, ठीक है। दो ऑप्शन दे रखा है भैया, यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो होगी आपकी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो आप। और यहाँ से मैं अगर बैक करता हूँ तो भैया यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो अच्छी बात है, मेरे पास तो है लेकिन मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा। यहाँ पे मेरी लिमिट 1500 रुपये की है और इंक्रेस अमाउंट की बात करें तो भाई 15000 रुपये की जो है मैक्सिमम लिमिट यहाँ तक मिल जाएगी अगर मैं ये सब चीज़ें अपलोड करता हूँ। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल वेरिफिकेशन। अगर आपके पास बिजली का बिल है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ, मेरे पास बिल है इस टाइम अवेलेबल है तो मैं एक बार डाल के देखता हूँ। भैया टाटा पावर कहाँ गया, टाटा पावर दिल्ली का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, है कहाँ मुझे मिल नहीं रहा है। मैं एक बार फिर से ढूंढता हूँ कि भैया टाटा पावर DDL डिस्ट्रीब्यूटर दिल्ली। अब यहाँ पे कंज्यूमर नंबर पूछा जा रहा है तो भैया मैं एक बार डाल के देखता हूँ क्या आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने वो तो अपलोड कर दिया, अब यहाँ पे कह रहा भैया अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करो। तो हम चलो ये भी एक बार देख करके देखते हैं, मुझे बैंक स्टेटमेंट करनी है अपलोड। फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट HDFC का मैं अपलोड करूँगा, यहाँ सबमिट पे करूँगा। भैया ये कह रहे हैं एक मिनट, मैं यहाँ कोटक का करूँगा। तो यहाँ पे मैं कुछ हाइड करके फटाफट अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भैया ये रही मेरी कोटक महिंद्रा बैंक की स्टेटमेंट, ये भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ दोबारा जाता हूँ और सबमिट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट, सर्वर टेक योर 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड हम वेट करते हैं और आगे का देखते हैं क्या प्रोसेस जो है होता है। अब ये अपलोडेड हो रहा है और देखते हैं कितना टाइम इसमें मैक्सिमम लगता है। तो थोड़ा वेट करेंगे इसका। तो दोस्तों किसी रीजन वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो भैया मेरे इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ देखिए अप्लाइड सक्सेसफुली और बैंक स्टेटमेंट है जो यहाँ पर अप्लाई पे लिखा हुआ है कि अप्लाई। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है EF वेरीफिकेशन। भैया EF वेरीफिकेशन क्या होता है मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये EF मतलब आप जहाँ जॉब करते हो उसका वेरीफिकेशन है ये UI वेरीफिकेशन। तो भैया हम UI वेरीफिकेशन नहीं करेंगे, हम जाएंगे गेट नाउ लोन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसेस करेंगे और यहाँ थोड़ा वेट करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये एप्लीकेशन मेरी इंटरव्यू गई है, आप बता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पर, और देखते हैं कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट हमें देता है यहाँ पर।